ये लीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और न्यू मिथ बस्टर्स की वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर हम कुछ मिथ को कंफर्म या बस्टेड करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट मिथ है, नाइट मोड लगा के जेसीबी के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करो तो होगा मैजिक। न्यू मिथ्स, क्या गाइस सच में ऐसा होगा? चलो गाइस मिथ को ट्राई करके देख लेते। तो गाइस सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक जेसीबी स्पॉन करना है, जिसका चीट कोड यहाँ पे 6677 होने वाला है। उसके बाद अपने को गाइस इसके अंदर बैठना होगा, जो लेफ्ट साइड का जो बटन है उसको दो बार प्रेस करना है। देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन सा मैजिक होने वाला है। तो गाइस चलो फटाफट बैठते हैं जेसीबी के अंदर। लेकिन गाइस अपने को पहले तो गाइस नाइट मोड को एक्टिवेट करना है। चलो दोस्तों फटाफट नाइट मोड को एक्टिवेट कर लेते हैं। नाइट मोड को एक्टिवेट करने के लिए अपने को 9 को प्रेस करके कॉल को क्लिक कर देना होगा। गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नाइट मोड एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद गाइस अपने को जेसीबी के अंदर बैठ जाना होगा। आप लोग देख सकते हो जो लेफ्ट साइड में गाइस अपने को चार ऑप्शन देखने को मिलते हो गाइस। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनमें से एक ऑप्शन से गाइस यहाँ पे लाइट ऑप्शन ऑन हो जाता है। आप लोग देख सकते हो कितना इजी तरीके से अपने यहाँ पे जेसीबी के अंदर लाइट चला सकते हो। गाइस यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अपने को स्पेशल जेसीबी की लाइट ऑन करने का नहीं दिया गया है। आप लोग भी दोस्तों अगर जेसीबी की लाइट को ऑन करना चाहते हो तो गाइस इस ट्रिक की सहायता से आप अपनी जेसीबी की लाइट को ऑन कर सकते हो। और गाइस ऐसे ही अमेजिंग टाइप और गाइस खतरनाक टाइप के मिथ्स आप भी देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्राई कर सके। वो ये वाला मिथ कंफर्म है। मिथ नंबर 2, जेट पैक से पुलिस स्टेशन के ऊपर फ्लोर में जा सकते हैं मिथ बस्टर्स। क्या गाइस सच में ऐसा होगा? चलो गाइस मिथ को ट्राई कर लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्मॉल जेट पैक को भी स्पॉन कर रखा है। अब गाइस फटाफट इसके अंदर एंटर करते हैं और अब इसको फ्लाइंग करते हैं और चलते गाइस क्या सच में हम पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे जा सकेंगे। तो फाइनल दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने इसको टेक ऑफ कर लिया और गाइस यहाँ पे इसकी विंडो दिख रही है अपने को सेकंड फ्लोर की पुलिस स्टेशन की। और गाइस यहाँ पे मैं स्टॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। और आपको भी कुछ इसी प्रकार से इसको सेटअप कर लेना होगा। जैसे आप लोग एग्जिट करोगे तो गाइस विंडो की सहायता से आप सीधे के सीधे अपने पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर हो जाओगे। तो गाइस आप लोगों को मिथ बस्टर्स कैसे लगते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस जो अपना पुलिस स्टेशन का सेकंड फ्लोर है गाइस वो कुछ इस प्रकार का अपने को ऊपर से देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस इसके अंदर अभी तक कुछ भी चीज एड नहीं हुई है, आप लोग देख सकते हो। और इसका यह रीजन है की अभी तक पुलिस स्टेशन का वर्क कम्प्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों अभी तक पुलिस स्टेशन का वर्क चल रहा है, इसलिए गाइस अभी तक अपने को जो सीढ़ियां हैं गाइस उसके सामने एक वॉल को रख दिया गया है, उसकी वजह से गाइस हम अभी सेकंड फ्लोर के ऊपर नहीं आ सकते। और जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद गाइस हम सेकंड फ्लोर के ऊपर आ सकेंगे। तो गाइस ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ नंबर 3, स्टिकमैन बनकर जेसीबी के अंदर बैठो और जितनी बार सीट करोगी उतनी बार कुछ चेंज होगा या गाइस अलग होगा। क्या गाइस सच में ऐसा होगा? चलो गाइस मिथ को ट्राई कर लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों स्टिकमैन बनने के लिए आपको बहुत सारे स्टिकमैन को जमीन के ऊपर रख देना है, गाइस चिपका देना आपको अपने हिसाब से। और गाइस इसको राउंड शेप के अंदर करो या गाइस किसी और टाइप से, आपकी मर्जी। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे इन्फिनिटी हल का चीट कोड लगा लेना है और फिर इसका ही फुल कर लेना गाइस। जैसे आपका चेयरक्टर यहाँ पे नीचे गिरेगा स्टिकमैन के ऊपर तो गाइस सारे के सारे स्टिकमैन इसके शरीर के ऊपर पक जाएंगे और गाइस ये बन जाएगा ईस्ट गेम मैन। उसके बाद गाइस यहाँ पे जेसीबी स्पॉन कर लिया हूँ। उसके बाद इसके अंदर जैसे मैं एंटर करता हूँ तो गाइस जो अपनी जेसीबी है गाइस वो यहाँ पे जमीन के अंदर गाइस धसने लग जाती है। गाइस यहाँ पे ब्रेक डांस करने लग जाती है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। गाइस यहाँ पे भरतनाट्यम की तरह कुछ अलग अलग टाइप के डांस करने लग जाती है। अब गाइस यहाँ पे बारी अपने को इसे एग्जिट करने की। चलो गाइस फटाफट यहाँ पे मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे एग्जिट करता हूँ ना दोस्तों तो ये मेरे को उठा के बाहर फेंक देती है। और गाइस उसके बाद अपने को करना है अपने को दूसरी जेसीबी को स्पॉन करना और उसके अंदर गाइस अपने को एंटर करना। चलो दोस्तों मैं फटाफट यहाँ पे दूसरी जेसीबी को स्पॉन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर अपने को एंटर कर लेना है, देखते हैं गाइस इस बार कौन सा चीज चेंज होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। इस बार भी गाइस जो अपनी जेसीबी है गाइस वो जमीन के अंदर ही और गाइस यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के ही डांस कर। गाइस ये वाला गाइस मिथ कंफर्म या बस्टेड मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो गाइस एक बार वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो गाइस ट्राई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो चलो दोस्तों मैं फटाफट यहाँ से इससे एग्जिट कर लेता हूँ। देखते हैं गाइस एग्जिट करने के बाद क्या गाइस अपने को अगली बार अगर हम बैठेंगे तो गाइस क्या चेंज होगा। तो फाइनल दोस्तों मैंने यहाँ पे इससे एग्जिट कर लिया है। अब चलो दोस्तों फटाफट इसके अंदर बैठते हैं। लेकिन ये क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जो अपनी जेसीबी गाइस वो हवा के अंदर ही अटक चुकी है और थोड़ी देर के बाद गाइस ऑटोमेटिकल नीचे गिर जाती है। अब गाइस इसके अंदर बैठना है, चलो गाइस फटाफट बैठते हैं। और दोस्तों जैसे मैं इसके अंदर बैठता हूँ ना गाइस तो आप लोग देख सकते हो फिर भी गाइस ये कुछ इसी प्रकार से यहाँ से
डांस करती है, जैसे गाइस 2 GB के अंदर किया ना गाइस वैसे यहाँ पे इस बार भी डांस करती है। लेकिन गाइस इस बार मैं इसके अंदर कुछ अलग ग्लिच करने वाला हूँ, आप लोग देखना। आप लोगों को ये वाला जो बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसको जैसे आप लोग प्रेस करोगे तो गाइस ऑटोमेटिकल स्टिक बम एक्टिवेट हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएंगी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे अपने स्टिक बम ब्लास्ट होते हैं वैसे गाइस अपनी जेसीबी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन गाइस मैं अब भी जेसीबी को यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ गाइस, चला सकता हूँ इजी तरीके से। और गाइस आप लोगों को ये वाला ग्लिच कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के साथ ये वाला मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 4, आईडीवा से न्यू जिगजैग रैम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। क्या गाइस ऐसा सच में होने वाला है? चलो गाइस अगर ये वाला मिथ कंप्लीट हुआ ना तो गाइस मजा ही आ जाएगा। तो फाइनल दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं आईडीवा को लेके अपने जिगजैग वाले रैम के ऊपर चढ़ चुका हूँ। एंड गाइस चलो देखते हैं कितनी देर के अंदर ये इजी तरीके से कम्प्लीट कर पाता है कि नहीं। और आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे काफी रफ्तार के साथ अपनी आईडीवा गाइस वो रफ्तार के साथ रैम के ऊपर चढ़ती जा रही है। लेकिन गाइस क्या है सच में कम्प्लीट कर पाएगी? चलो गाइस वेट करते हैं एंड तक का। और गाइस आप लोग देख तो मैं काफी रफ्तार में और इस एटिवा को लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो गाइस इसी के साथ आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके पास भी कोई खतरनाक या गाइस अमेजिंग टाइम के मिथ्स हो तो गाइस उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि गाइस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्राई कर सके। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बातों ही बातों में एटिवा ने गाइस काफी ज्यादा रैम को कंप्लीट कर लिया। एंड गाइस मेरे को लग रहा हाफ सेंचुरी तो यहाँ पे अपने एटिवा ने कंप्लीट कर ली। गाइस थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते गाइस कितनी देर अंदर फाइनली यहाँ पे एडिवा इस जिगजैग रैम को कंप्लीट करने वाली है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं काफी रफ्तार के साथ अपनी एडिवा को चला रहा हूँ, फाइनली लास्ट फ्लोर बचा अपने जिगजैग रैम का। तो आप लोग देख सकते हो यार काफी ही इजी तरीके से यहाँ से मैंने जिगजैग रैम को कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट स्टेप बचिए, चलो इसको जंप करके भी देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने जंप तो किया और गाइस एटिवा काफी लॉन्ग जंप के साथ यहाँ पे नीचे जंप करती है। और गाइस एटिवा पे जब तक हम बैठे हुए थे तब तक गाइस अपने को यहाँ पे कोई डैमेज नहीं मिला। तो गाइस ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 5, अगर हम हाउस का कलर चेंज करते हैं तो अपने कार शोरूम का कलर भी चेंज हो जाएगा, क्या गाइस सच में ऐसा होगा? चलो गाइस मिथ को ट्राई कर लेते। तो फाइनल दोस्तों मैं आ चुका अपने न्यू वाले हाउस के पास में जिसका गाइस हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों अपने को फटाफट आरजीएस टूल को ओपन कर लेना। आरजीएस टूल ओपन करने के बाद दोस्तों फटाफट यहाँ पे मैं हाउस कलर रेड या गाइस कोई भी अदर कलर को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो फाइनल दोस्तों मैंने यहाँ पे हाउस कलर को यहाँ पे टाइप कर दिया। एंड गाइस फाइनल मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनल दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। अब गाइस यहां पे फटाफट सेव पे क्लिक कर देते। आप लोग देख सकते हो जो अपना हाउस है गाइस वो यहां पे रेड कलर का हो चुका है। अब बारी है दोस्तों अपने को फटाफट यहाँ से अपने को कार शोरूम की तरफ चलना है। तो चलो दोस्तों मैं फटाफट यहाँ पे एक जेट पैक की सहायता से फटाफट ले चलता हूँ कार शोरूम की साइड में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अपने जेट पैक काफी रफ्तार के साथ फाइनली आ चुका है अपने कार शोरूम के यहाँ पे। और गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से अपना हाउस तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये क्या दोस्तों ये तो खतरनाक म्यूजिक हो गया। गाइस हमने तो हाउस का कलर चेंज किया था और दोस्तों यहाँ पे साथ में कलर चेंज हो चुका है अपने कार शोरूम का, क्या बात है दोस्तों। तो सच में आप लोग कुछ इस प्रकार से आज इस रूल में अगर हाउस कलर चेंज करते हो तो साथ में अपने को कार शोरूम का कलर भी चेंज देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे एक बार और कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो फाइनल दोस्तों मैंने यहाँ पे हाउस कलर येल्लो डाल दिया। तो इस बार गाइस अपना कार शोरूम ऑटोमेटिकल गाइस यहाँ पे येल्लो हो गया होगा। तो गाइस मेरे को 100% लग रहा है कि अपना हाउस भी गाइस येल्लो कलर का हो चुका होगा। तो गाइस ये वाला मिथ अगर आपको अच्छा लगा और गाइस ऐसे अच्छे अच्छे मिथ देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखना। और गाइस लास्ट वाला कोई मिथ नहीं है गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक खतरनाक ग्लिच बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस फटाफट ग्लिच को भी ट्राई कर लेते हैं या गाइस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो गाइस इस ग्लिच को ट्राई करने के लिए सिंपली आपको स्विमिंग पूल के ऊपर आ जाना है। और गाइस यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपनी जो बुलेरो कार है न्यू अपडेट की उसको स्पॉन कर लेना है, जिसका चीट कोड गाइस 3100 होने वाला है। तो फाइनल दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक बुलेरो कार को स्पॉन कर लिया। उसके बाद गाइस आपको स्विमिंग पूल के अंदर चले जाना है। और गाइस स्विमिंग पूल के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको जैसे स्विमिंग पूल से एग्जिट करो वैसे गाइस बुलेरो कार में आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपके सामने खतरनाक मैजिक होगा गाइस, जो अपना चेक्ड है वो दूसरी सीट पे जाके बैठेगा। और गाइस खतरनाक मैजिक अभी हुआ नहीं, आप लोग अब देख सकते हो आप अपने चेक्ड को बाहर नहीं निकाल सकते हो। लेकिन ये भी मैजिक नहीं गाइस, आप लोग जैसे अपने कैमरा एंगल को चेंज करोगे तब आपको मैजिक देखने को मिलेगा।
आप अपने चेक ट्रिगर का जो गाइस फेस है ना गाइस वो रियलिटी में देख सकोगे गाइस। अगर को अभी तक 100% कंफर्म है कि बहुत सारे कम बंदों ने अभी तक अपने चेक ट्रिगर का फेस देखा होगा। अगर गाइस आप लोगों में जिसने चेक ट्रिगर का फेस पहले नहीं देखा था गाइस मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और गाइस जिसने पहले ही अपने चेक ट्रिगर का फेस देख लिया था गाइस वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और गाइस अब आपसे करते हैं टाटा बाय बाय ऐसे ही खतरनाक मित्र देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को भी लाइक कर देना।